हाई एवरीवन, यू आर वॉचिंग सीरियल से आप आज यहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। वेल, आज रात के ये है चाहते के एपिसोड की शुरुआत में क्या कुछ खास दिखाया जाएगा, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत होगी प्रिशा के साथ, जो कि नोटिस करेगी सारांश को कि बहुत ही ज़्यादा अपसेट लग रहा है। तभी वो उससे पूछेगी कि क्या हुआ बच्चा। तभी सारांश कहता है कि रुद्राक्ष ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि मेरे पापा की डेथ कैसे हुई थी, अब मुझे सब पता है। तभी प्रिशा भी उससे अपोलोजाइज करती है उसे ना बताने के लिए। वो कहता है कि नहीं, आप मुझसे अपोलोजाइज मत कीजिए। और वो उससे कहता है कि आप बस कुछ ऐसा कीजिए, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मेरे लिए यही मैटर करता है। साथ ही साथ सारांश कहता है कि इवन रुद्राक्ष ने भी मैं यही समझाने की कोशिश की कि वो गलत कर रहा है, और प्रिशा उसे हक करती है। रेवती इन दोनों की बात सुनती है और सोचती है कि रुद्राक्ष को बर्थडे गिफ्ट तो ज़रूर मिलना चाहिए। तभी यहाँ पर जो रेवती है वो जाती है रूही के पास और उससे कहती है कि तुमने रुद्राक्ष के लिए कोई बर्थडे गिफ्ट अरेंज नहीं किया। यहाँ पर प्रिशा सारांश से कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतना समझदार बेटा मिला है। तभी यहाँ पर वो ऐड करती है कि रुद्राक्ष सिर्फ गुस्सा है, थोड़े दिनों में वो ठीक हो जाएगा। रूही रिमाइंड करती है सारांश को कि अरे, हमें रुद्राक्ष का गिफ्ट भी तो लेना है। प्रिशा पूछती है कि गिफ्ट, क्या गिफ्ट? तभी सारांश कहता है कि हाँ, मैंने लिमिटेड एडिशन गिटार रुद्राक्ष के लिए ऑर्डर किया था। और वो हेजिटेट करता है प्रिशा को देने के लिए रुद्राक्ष को, लेकिन प्रिशा उसे कन्विंस करती है कि नहीं, तुम जा कर के दो, इट्स ओके। सारांश कहता है रूही से कि तो तुम देना रूही। तभी रूही कहती है कि ठीक है, मैं गिटार रुद्राक्ष को जा कर के दे दूंगी और मैं कहूंगी कि ये मेरी और बड़े भैया की साइड से है। सारांश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, तुम ऐसा ही करना। इधर रूही जैसे ही रुद्राक्ष को गिटार देती है, वो सब कुछ वैसा ही करती है। और रुद्राक्ष देखकर इमोशनल हो जाता है और गिटार को देखकर स्माइल करता है। तो वो कहता है कि मैं हमेशा से इसे खरीदना चाहता था क्योंकि लिमिटेड एडिशन गिटार था। वो थैंक यू करता है रूही को और उसके सर पर और उसके गालों पर किस करता है। तो वो कहती है कि सारांश को भी थैंक यू बोलिए क्योंकि ये उन्होंने ही ऑर्डर किया है। रुद्राक्ष जाता है सारांश के पास और कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतना अच्छा बेटा मिला है, उसे हक करता है। सारांश माफ़ी मांगता है रुद्राक्ष से उल्टी सीधी बात कहने के लिए जो उसने अंदर कही थी। रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, तुम अब पर ठीक हो जाए, मेरी ही गलती है, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। रुद्राक्ष कहता है कि लेकिन अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सारांश अंडरस्टैंड करता है कि रुद्राक्ष एंग्री उससे नहीं है। तभी वो कहता है कि ठीक है रूही, तुम कहने वाली थी ना रुद्र से एक सॉन्ग प्ले करने के लिए। रेवती ये सुनकर के खुश हो जाती है। सारांश अनाउंस करता है कि रुद्राक्ष अब हमारे लिए गाना गाएगा और स्पेशली मामा के लिए। रुद्राक्ष कहता है कि प्रिशा ने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा, हमेशा वो मेरे साथ खड़ी रही है हर एक चीज़ में। और यहाँ पर वो सबके साथ में आज प्रिशा के लिए एक खूबसूरत सा गाना डेडिकेट करना चाहता है। वो कहता है कि कोई भी उसकी जगह उसकी लाइफ में नहीं रह सकता, प्रिशा मेरे दिल की धड़कन है, सिर्फ प्रिशा। तभी वो गिटार को साइड में रखता है, जिसे देखकर के रेवती शॉक हो जाती है। तभी यहाँ पर प्रिशा स्टेज पर जाती है और कहती है विल यू मैरी मी सॉन्ग प्ले करो ना। यहाँ पर प्रिशा गाती है और रुद्राक्ष डांस करता है, हर कोई क्लैप करता है और इन्जॉय करता है परफॉर्मेंस। सारांश यहाँ रुद्राक्ष से कहते हैं कि मुझे एक और गाना सुनना है। रुद्राक्ष गिटार लेता है और सब देख कर के खुश हो जाते हैं। जैसे ही रुद्र गिटार प्ले करता है, यहाँ पर उसे शॉक लगता है। रेवती रिकॉल करती है कि कैसे उसने देखा था रूही वेट कर रही है गिटार को रिसीव करने के लिए, और तभी वह रूही को अंदर भेज देती है गिटार को रिसीव करने के लिए। तभी वो वायर तोड़ देती है रुद्राक्ष की, जिसकी वजह से उसे शॉक लग जाता है। गोपाल देखता है उसे गिटार के साथ और वो सर्वेंट से कहता है कि ये गिटार सारांश को जा कर के दे दो। रुद्राक्ष इधर बेहोश हो जाता है, हर कोई उसे देखकर घबरा जाता है। शारदा कहती है हमें रुद्र को हॉस्पिटल एडमिट करना चाहिए। रुद्राक्ष हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। प्रिशा कहती है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो CPR देती है उसको, यानी कि माउथ टू माउथ उसे सांस देती है। रुद्राक्ष अपनी बेहोशी से बाहर आ जाता है। शारदा कहती है कि प्रिशा ने रुद्र की जान बचाई है। और तभी वो रुद्राक्ष को उसके कमरे में ले जाते हैं। रेवती सोचती है कि दिनों की प्रॉब्लम क्या है, ये लोग एक दूसरे को मरने क्यों नहीं देते, आखिर मेरा प्लान एक बार फिर से फेल हो गया। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। इसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वैसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।